हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 हमें 5 ऐसी कंडीशंस बताते हैं जो हमें एक हिंदू मैरिज को वैलिड बनाने के लिए फॉलो करना होता है, जिसका क्लॉज 4 हमें ये बोलता है कि जो दोनों पार्टीज हैं शादी के लिए वो एक दूसरे की प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आने चाहिए। अगर वो दोनों एक दूसरे की प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं तो उनकी शादी जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर उन दोनों के यहाँ कोई कस्टम और यूसेज प्रिवेल करता है तो वो दोनों एक दूसरे की प्रोहिबिटेड डिग्री में भी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी कस्टम और यूसेज प्रिवेल नहीं करता तो ऐसी शादियाँ बिल्कुल भी वैलिड नहीं मानी जाएंगी। ऐसी शादियाँ सेक्शन 11 के तहत वॉइड डिक्लेयर भी हो जाती हैं और उस इंसान को सज़ा सेक्शन 18 के तहत 1 महीने तक की जेल मिलेगी, प्लस वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। तो ये प्रोहिबिटेड डिग्री होती क्या है? तो इसी एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज जी हमें प्रोहिबिटेड डिग्री के बारे में बताता है और ये बोलता है कि दो लोग एक दूसरे की प्रोहिबिटेड डिग्री में इन इन कंडीशंस में आएंगे और ये सारे रिलेशनशिप हाफ ब्लड, फुल ब्लड, यूटेराइन ब्लड, इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप, लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन, रिलेशनशिप बाय ब्लड, इन सब को इंक्लूड करते हैं।